हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कौशल गर्ग और आपका स्वागत है हमारे चैनल हिंदी ज्ञान टेक वन में। आज हम करने वाले हैं बेकिंग सोडा और साइट्रिक एसिड का रिएक्शन और देखते हैं क्या होता है। इसके लिए हमें चाहिएगा एक ग्लास बेकिंग सोडा, जिसे हम मीठा सोडा भी कहते हैं, और साइट्रिक एसिड, जिसको लोकल भाषा में साड्री कहा जाता है, और पानी चाहिएगा। पानी मैंने फिल्टर कर लिया है। चलिए शुरू करते हैं। पहले हम दोनों को एक साथ मिला लेंगे। देखिए, इक्वल क्वांटिटी में लगभग हमें दोनों चीज़ें लेनी हैं, बेकिंग सोडा और साइट्रिक एसिड। ये देखिए, थोड़ा साइट्रिक एसिड और लेना पड़ेगा। काफ़ी होगा शायद। चलिए अब रिएक्शन करवाते हैं पानी के साथ, यानी H2O के साथ। ये देखिए, इसमें से थोड़ी थोड़ी हीट प्रोड्यूस हो रही है, यानी हाइड्रोजन रिलीज हो रही है इसमें से। अब इसमें ठंडी हवा रिलीज हो रही है, ये देखिए, वाह, बड़ी ठंडी हवा है। और पानी डाल के देखते हैं। बस ये रिएक्शन हो चुका है, तेज रिएक्शन था इसका। थोड़ा और डाल के देखते हैं, अभी भी हो रहा है। डाल के देखते हैं थोड़ा और डाल के देखते हैं साइट्रिक एसिड। साइट्रिक एसिड के साथ ज़्यादा रिएक्शन नहीं कर रहा अभी। बेकिंग सोडा डालने के बाद देखते हैं। देखिए, बेकिंग सोडा डालते ही बिल्कुल उभर के आते हैं इसके झाग। थोड़ा और डाल के देखते हैं। ये देखिए, बड़ा ही फन वाला एक्सपेरिमेंट है। थोड़ा और डाल के देखते हैं। साइट्रिक एसिड हमें और डालना पड़ेगा क्योंकि सोडा ज़्यादा हो चुका है। वापस सोडा डाल के देखते हैं और फिर वापस से देखते हैं फन वाली रिएक्शन। चलिए 1 2 3। ठंडी ठंडी हवा निकल रही है, बड़ी कूल हवा, बिल्कुल हाथ लगा रहा हूँ मैं। ये देखिए, ग्लास में मैं ज़्यादा हाथ इसलिए लगा रहा हूँ, ग्लास फट सकता है। ये देखिए, बिल्कुल ठंडी हवा मेरे हाथ पे है, वाटर वेपर्स। खुशबू भी ज़्यादा बेकार नहीं है, अच्छी खुशबू है। देखते हैं अभी कब तक रिएक्शन होता रहेगा, कब तक गैस रिलीज होती रहेगी। ये देखिए, बिल्कुल ग्लास चिल्ड हो चुका है। ये देखिए, बिल्कुल लिमका की तरह लग रही है और बिल्कुल चिल्ड हो चुका है। ये देखिए, बाहर पानी भी आने लगा है, बिल्कुल चिल्ड हो चुका है, बिल्कुल कोल्ड। वाह, बहुत ठंडा हो गया। मैंने बिल्कुल नॉर्मल सादा पानी लिया था और बिल्कुल लिमका की तरह है, कलर में भी लिमका की तरह है और ठंडी भी उसकी तरह ही है। अभी भी रिएक्शन बाकी है इसमें।